ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर दो गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये झूठ है। दो गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। भारत में चुनावी वादों की परंपरा पुरानी है, लेकिन इस बार अमित शाह जी ने तो कमाल कर दिया। दीपावली और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा अभी पूरा हुआ नहीं कि उन्होंने ईद और मुहर्रम के लिए भी फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान कर दिया है। पत्रकार रणविजय सिंह ने अमित शाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, ईद और मुहर्रम के मौके पर दो गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और लोग सोच में पड़ गए कि मुफ्त सिलेंडर की यह नई राजनीति आखिर कहां तक जाएगी। फ्री गैस सिलेंडर का वादा भारतीय राजनीति का नया सुपरस्टार बन गया है। पहले चुनावों में बिजली पानी सड़क की बात होती थी, लेकिन अब सिलेंडर का खेल शुरू हो चुका है। दीपावली और होली के लिए मुफ्त सिलेंडर का वादा तो सुना ही था, पर अब ईद और मुहर्रम में भी इसकी एंट्री हो गई, यानी अब गैस सिलेंडर धर्म और त्योहारों की सीमाएं पार कर चुका है। रणजीत सिंह का सवाल वाजिब है, यूपी वालों को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना? यह सवाल आज हर यूपी वासी के दिल में गूंज रहा है। आखिरकार इतने बड़े नेता का वादा है जो हवा में थोड़ी जा सकता है, पर सोशल मीडिया यूजर्स की राय कुछ और ही कह रही है। मनराज मीना जी इस पर लिखते हैं कि जुमलों की बौछार जारी है। एक उजर ने कहा कि बाद में कहेंगे चुनावी जुमला था, अब पब्लिक जुमलों की गंभीरता से लेने लगी है और ऐसे महान नेताओं की क्या खता होगी। एक उजर ने कहा कि हाँ ये भी एक जुमला साबित होगा। निशांत नाम के उजर लिखते हैं कि गरीबों को मुफ्त सिलेंडर और जयशाह को बीसीसीआई का चेयरमैन, वाह मोदी जी वाह। सत्येंद्र जी लिखते हैं गृहमंत्री अमित शाह प्रचार के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में वो कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमले थे। दिशा जी इस पर लिखते हैं कि होली पर सिलेंडर उसी तरह मिला जैसे सबके खाते में 15 लाख रुपए आए। एसएसपी नाम के उजर ने कहा कि बार बार बोलो, जोर से बोलो, हमेशा बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों आपको बताते चलें कि सिलेंडर अब सिर्फ घर की रसोई तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि त्योहारों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सोचिए दिवाली पर दिया जलाने से पहले गैस सिलेंडर की पूजा होगी, होली पर रंग खेलने से पहले सिलेंडर से सुरक्षा का रंग भरा जाएगा, और अभी और मुहर्रम पर भी सिलेंडर बांटे जाएंगे। यह सिलेंडर सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का अलादीन का चिराग बन चुका है। हर चुनाव में पार्टियां वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त बनाती हैं, लेकिन सिलेंडर का यह जादू हर त्योहार पर एक नया रंग लेकर आता है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपने व्यंग्यात्मक तीर चलाए। राजनीति में वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरे करना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। लोग अभी भी दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर के इंतजार में हैं, और अभी ईद और मुहर्रम का नया वादा आ गया है। क्या यह वादा भी हवा में उड़ जाएगा या वाकई सिलेंडर के साथ कुछ धुआं निकलेगा? आखिरकार राजनीति में वादों की यही परंपरा रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो या अब गैस सिलेंडर। चुनावी मैदान में वादों की हवा तेजी से चलती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले चुनाव में सिलेंडर के साथ कौन से नए उपहार जनता को दिए जाएंगे। अमित शाह के इस बयान ने एक बार फिर से चुनावी राजनीति में वादों की हकीकत को उजागर कर दिया है। अब जनता सोच रही है कि हर त्योहार पर सिलेंडर मिलने की उम्मीद की जाए या इसे भी बाकी चुनावी वादों की तरह गैस माना जाए। एक बात तो तय, चुनावी सिलेंडर का यह खेल अभी लंबा चलेगा। अब देखना यह है कि अगला त्योहार कौन सा होगा और उसमें कितने सिलेंडर मुफ्त बांटे जाएंगे। तब तक जनता सोशल मीडिया पर चुटकुले बनाते हुए इस राजनीति खेल का आनंद उठाती रहेगी। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे अमित शाह जी के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट में साझा कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।